Good morning, everyone. Welcome you all to the Global Online University channel. Here we are with our UGC NTA NET Paper 1 preparation for the topic Research Aptitude. As many of you have commented, two things. Ek to aapne Hindi and English language mix karne ke liye kaha hai, to I will be taking care of that. Ki Hindi aur English ka combination ho. Second thing, aap logo ne ye recommend kiya tha that aapko MCQs zyada preferable hai rather than theory. So hum iske aage hum jo bhi lectures karenge, hum MCQ pattern mein karenge. And I will try to come up with, videos taki main exam ke pehle sare units properly cover kar do. That is one thing. Second thing, likewise, we request all the students ki aspirants ya students, aapko jo bhi recommendations hai, please put it in the comment box so that we improve and we provide you the best from our channel. Okay, so let's go ahead. Now, Global Online University has started to go ahead with the revision lectures in the form of MCQ. और ये पेपर वन के लिए होगा जो डेली 8 AM एंड 8 PM पे टेलीकास्ट होगा एंड दिस पैटर्न विल गो ऑन टिल द टाइम द एग्जामिनेशंस आर स्केड्यूल. जब तक आपके एग्जामिनेशन स्केड्यूल नहीं होते हैं ये पैटर्न चलता रहेगा. इसके अलावा हमारे पास कंप्लीट कोर्स है पेपर वन के लिए विच हैव 60 फुल सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस नोट्स, वीडियो लेक्चर्स विच यू कैन अवेल बाय डाउनलोडिंग एन एप्लीकेशन दैट इज़ ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी. या तो आप पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है स्क्रीन पे और जिसकी फ़ीस है 999 rupees. उसके अलावा देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारा नया व्हाट्सएप बैच, पेड व्हाट्सएप ग्रुप का व्हाट्सएप बैच स्टार्ट हो रहा है मई 2021 से, दैट इज़ आइडियली 2 मई 2021. कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी पर्टिकुलर डाउट यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर एंड टेक एन इधर यू यूज़ द अपॉर्चुनिटी एंड गेट एनरोल और आप अच्छे से पढ़ाई करो. सारे नोट्स एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू ऑन टाइम. So for any further detail, you can just contact on the given number. So let's not waste time and start with our question answer session. Okay. Now the first question is about a shift in attitude in respondents between two points during data collection. यानी जब आपके research questionnaires या research को जो भी respondents fill करते हैं उनके एटीट्यूड के दैट इज़ द शिफ्ट इन द एटीट्यूड. उस एटीट्यूड के बीच में दो पॉइंट्स आते हैं ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन, उसको कौन सा इफेक्ट बुलाया जाता है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज मैचुरेशन इफेक्ट. नाउ ये मैचुरेशन इफेक्ट होता क्या है, इट्स अ प्रोसेस विद इन विच एन इंडिविजुअल that is a process within an individual that occurs within the passage of time, with this passage of time, और जिसका इफेक्ट होता है रिसर्च फाइंडिंग्स पे. सो उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, मैचुरेशन इफेक्ट. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस हिंदी में भी है, सो यू कैन प्लीज रीड द क्वेश्चंस. ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2, द टाइम फ्रेम इन विच अ स्टडी एक्सप्लोर्स अ सिचुएशन और प्रॉब्लम. यानी उस टाइम फ्रेम को क्या बुलाया जाता है जहाँ पे स्टडी को एक्सप्लोर किया जाता है, इधर इन द फॉर्म ऑफ सिचुएशन और प्रॉब्लम. द टाइम फ्रेम इज कॉल्ड एज रेफरेंस पीरियड. ओके, देन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस. यानी जब आप कोरिलेशन को स्टडी करते हो उसका इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या तो डिफरेंसेस ढूंढना वेरिएबल्स में, या वेरिएशंस ढूंढना, या एसोसिएशन ढूंढना, या रिग्रेशन फाइंड आउट करना. सो द मेन कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट, टू फाइंड आउट द एसोसिएशन, टू चेक द एसोसिएशन एंड देन वी कैन अकॉर्डिंगली स्टडी. देन नेक्स्ट, अभी आपको दिया है क्वेश्चन, आपको फाइंड आउट करना है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सो उसके लिए विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड जहाँ पे आपको सैम्पलिंग टेक्निक्स डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में, ए और बी. ए है प्रोबेबिलिटी एंड बी है नॉन प्रोबेबिलिटी. सो आपको ये नेम्स याद होने चाहिए. सो नाउ इफ़ यू सी, दिस इज स्ट्रैटिफाइड, रैंडम, सिस्टमैटिक, क्लस्टर, ये सारे किसके टाइप्स है, प्रोबेबिलिटी के. नॉन प्रोबेबिलिटी के लिए टाइप्स क्या है, स्नोबॉल, कन्वीनियंस, जजमेंटल, कोटा.
ओके जस्ट हैव अ ग्लांस क्विकली. तो अगर हम क्वेश्चन पे जाते हैं तो यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी दिया है. तो अभी हमने पढ़ा स्नोबॉल है, क्लस्टर है, ओके सॉरी स्नोबॉल है, कोटा है, वी हैव स्टडीड कोटा सैम्पलिंग. ओके सो वी हैव स्नोबॉल एंड कोटा. ओके ये दो आपको कंफर्म है. सो दैट इज 3 and 5. सो 3 and 5 टुगेदर हमें चाहिए. अभी यहाँ पे 3 and 5 दो ऑप्शंस है, तो कौन सा करेक्ट वाला है? लेट्स अज्यूम कि मैंने ये मार्क नहीं किया है. सो इसमें क्या दिया है? 1 सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग. तो आपको पता है कि रैंडम सैम्पलिंग तो प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी में आता ही नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी में है. तो ये भी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. सो दिस इज वे यू कैन यू नो गो थ्रू द आंसर्स. ये ईजी पड़ता है, डाउन साइजिंग मेथड आपको बहुत कन्वीनियंट होता है एंड इट टेक्स लेस टाइम ऑल्सो. नेक्स्ट, द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड. रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए एक फ्रेमवर्क होता है, उस फ्रेमवर्क को क्या बोलते हैं? इधर सिनॉप्सिस, हाइपोथेसिस, पैराडाइम. ओके सो नो, इट्स कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज रिसर्च डिजाइन. क्योंकि हाइपोथेसिस के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इट्स कॉल्ड एज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट. पैराडाइम इट्स नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ पैटर्न. बट हमें फ्रेमवर्क चाहिए, सो इट इज कॉल्ड एज रिसर्च डिजाइन. नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन. अभी इससे ही रिलेटेड है कि रिसर्च डिजाइन के कंपोनेंट्स क्या है? कंपैरिजन, कंट्रोल, रिएक्टिविटी, मैनिपुलेशन, नॉन रिप्रेजेंटेटिव, जनरलाइजेशन. सो कंपोनेंट्स बेसिक आपको पता है मैनिपुलेशन होता ही होता है एंड जनरलाइजेशन. सो DNF साथ में होने चाहिए. सो DNF सॉरी यहाँ पे तो DNF साथ में है. सो वी कांट cancel this. So what we have to do is that जहाँ पे DNF साथ में नहीं है, यहाँ पे नहीं है and यहाँ पे नहीं है. We have first and fourth. But at the same time you should know that reactivity is not a component. So C का option cancel हो जाता है and our option is what? Our option is option number 4. So this is the way you have to look at the answer. Next. Now मेजर ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च. साइंटिफिक रिसर्च होते समय ऑपरेशंस कौन से हैं? यहाँ पे भी अभी कंफ्यूजिंग है. लेट अस अंडरस्टैंड कि आपको नहीं पता. ओके बट ऑब्वियसली यू हैव टू रीड द आंसर्स. इसमें आपको डेमोन्स्ट्रेशन है, एलिमिनेशन है, सीक्वेंसिंग है, सेल्फ एजुकेशन है, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पर्सनल चॉइस है एंड थियोरिजाइजेशन. ना आपको पता है सेल्फ एजुकेशन या पर्सनल चॉइस तो हो नहीं सकता है. सो जहाँ पे डी या तो ई है वो आपके ऑप्शंस है ही नहीं. सो द राइट ऑप्शन कम्स एज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ABCNF. सो दिस इज हाउ यू मेक ईजियर योर आंसर्स और इट बिकम्स क्विकर टू सॉल्व योर पेपर ऑन टाइम. नेक्स्ट है a variable that is manipulated. So variables कितने टाइप के होते हैं? 2. One is called as independent and one is called as dependent. So ये control में होता है. Independent is one independent variable, a variable which is manipulated. So the variable which is manipulated is known as independent variable. So the answer is independent. Next one. Identify the correct order of फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन रिसर्च. तो रिसर्च का ऑर्डर कैसे है? हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, बट ऑब्जर्वेशन के बाद हम डेवलप करते हैं कंसेप्ट और फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं. सो आइडियली इट विल बी 1, 3, 2. तो 1, 3, 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है. सो इट्स 1, 3, 2. ओके उसके बाद हम कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे और फिर मेथड्स एम्प्लॉय करेंगे. सो दैट इज 4 and 5. सो ये राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट question. A list is given below are the research characteristics. You have to find out the correct. हमने research characteristics देखे हैं. Okay? So अगर आपको पहले let us assume कि आपको ये नहीं पता, answer नहीं आता है, तो आप सारे options पढ़ लीजिए. It's improving common sense, deductive and inductive. It's creative. It's use of scientific method. तो कॉमन सेंस का पॉइंट तो नहीं आता है कहाँ पे. सो वन, जहाँ पे वन है आपको ऑप्शन चला जाएगा. एंड क्रिएटिविटी डजंट कम्स. ओके क्रिएटिविटी नहीं आता है, बट क्रिएटिविटी का पॉइंट है नहीं. ओके देन
मेथड ऑफ कंसल्टिंग एंड यूजिंग एक्सपीरियंस इज कॉल्ड रिसर्च. नो, हम कभी कंसल्ट नहीं करते. सो 5 भी कैंसिल हो गया. सो आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर. Is it clear? So we will do a batch of questions har roz 8 o'clock ko, and very soon we'll be completing research unit. Maximum questions I will take. Bahut thoda practice karke fir we will go to the next unit. Maine research ke bhi kafi sare videos pehle upload kiye hai MCQ pattern mein on the channel itself. You can just go through that and check the videos. Aur agar aapko lagta hai ki aur bhi kuch recommendations deni chahiye, so kindly comment, put a comment in the comment box. Accordingly, we will work out for your convenience and benefit. So that's all for the day. Thank you everyone. We'll be having the MCQs for tomorrow, that is as per our scheduled time. Thank you everyone. Have a nice day.